तीन बदमाशों ने एटीएम को बम से उड़ाया, जिससे एटीएम के परखच्चे उड़े। लाल मोटरसाइकिल से तीनों बदमाश हुए फरार। पुलिस ने मामला कायम कर जांच में जुटी। वहीं एटीएम में किए ब्लास्ट से घट सकती थी बड़ी घटना। आजकल के चोर इतने शातिर हो गए कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से जरा भी नहीं चूकते। एक ऐसी ही अजीबोगरीब चोरी की घटना आज तड़के कटनी बहोरी बंद के बाकल स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में देर रात घटी, जहां तीन अज्ञात बदमाशों ने एटीएम को बम लगाकर उड़ा दिया, जिससे एटीएम के परखच्चे उड़ गए। वहीं एटीएम के पास रहने वाले रहवासियों ने बताया कि देर रात धमाके की आवाज सुनकर जब वह बाहर निकले तो एटीएम के अंदर एक बदमाश घुसा हुआ था और दो एटीएम के बाहर खड़े थे। लेकिन जब रहवासी उनके पास पहुंच ही रहे थे कि तभी उनसे एक बदमाश राइफल तानकर उनकी तरफ दौड़ा, जिससे वह घबराकर घर के अंदर घुस गए और फिर तीनों बदमाश मौका पाते ही बाइक में सवार होकर रैपरा ग्राम की ओर भाग गए। इसकी सूचना पर सुबह होते ही बहोरीबंद थाना प्रभारी रेखा प्रजापति बाकड़ पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर बताया कि अभी रुपए चोरी हुए हैं या नहीं, इसकी जानकारी बैंक के अधिकारी के आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन तीनों लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुनील सेन के साथ प्रेरित सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ था रात में? रात में ब्लास्ट की आवाज आई बड़े जोर से, इतने जोर से कि हम तो जमीन पे सो रहे थे, जमीन हिल गई जी। तो हम तुरंत बाहर निकले, एक मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड लगा जी। और 30 सेकंड में हम जब बाहर निकले ताला खोल के, ताला खोलने में जितना समय लगता है, बाहर देखे तो एक आदमी अंदर घुसा हुआ था एटीएम के, अंदर जा ही नहीं पाए। और एक आदमी हमारे गाड़ी के पीछे बाइक में बैठा हुआ था, एक आदमी बीच में बैठा था, वो सामान सब सेट कर रहा था, तार आर बिखरे थे, तार आर उठा रहा था। तो हमने पूछे कहा भाई कहा हो रहा है, इतना करके उसने हमें देखा तो रिवाल्वर लेके दौड़ा हमारे तरफ बड़े गुस्से से जी। तो हमारी वाइफ ने इतनी डर गई कि कांपने लगी और उनने हमें खींचा और खींच के फिर हम लोग शटर बंद करके अंदर रह गए। फिर भी दिल नहीं माना तो हम छत पे चल के देखे, तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी थी, 2-4 मिनट, और वो लोग तीनों लोग रायपुरा की तरफ बाइक से निकल चुके। कितने बजे की घटना है? ये 2 बजे ब्लास्ट हुआ है और 2:12-15 में, 10-12 मिनट में वो लोग निकल गए। तारीख की दरमियानी रात 2 बजे के लगभग की घटना है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है बाकल क्षेत्र में, अज्ञात तीन व्यक्तियों के द्वारा जो कि बंदूक भी धारण किए हुए थे, ये लोग आए और एटीएम को ब्लास्ट किया गया। एटीएम के बगल में जो दिनेश ज्वेलर्स की दुकान है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसकी फुटेज निकाल के देखें तो उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि एक रेड कलर की बाइक सवार के तीन लोग आए थे और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम किया गया है और इसमें जांच चल रही है।